नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में, क्योंकि इसी वीक में इसके Q4 के नंबर्स आने हैं और Q4 के नंबर से पहले $800 मिलियन लगभग 6,565 करोड़ के जो शेयर प्लेस थे उसको कंपनी ने अनप्लेज करा है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के जो लोन थे उसको पे करा है और वेदांता रिसोर्सेज, ना कि वेदांता, वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है जो UK लंदन में लिस्टेड है। और इस न्यूज के बाद एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ी खबर दिखेगी। हमने देखा अनिल अग्रवाल जी के तरफ से हमेशा उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी डेट को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, वी आर कैपेबल टू पे व्हाट एवर ड्यूज इनके कंपनी पे है। तो इस समय इस न्यूज के बाद आपको किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए उसको डिस्कस करें। इससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% आपको दिखेगी। ये टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करें, हमारे पास ट्रेड को एनालाइज करें कि क्या मेरी एक्यूरेसी है। साथ में ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, आपके जो अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको वॉच करके बाकी को इग्नोर करें। डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप या लर्निंग ग्रुप में जुड़ना हो। यहां देखेंगे तो इस समय 274 के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखेंगे वेदांता रिसोर्सेज सब्सिडरी रिपे डेट रिलीज प्लेस ऑन वेदांता, यही न्यूज ओवरऑल ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। और Q4 से पहले बालको के एक्विजिशन को लेकर के हमने अभी अभी कुछ समय पहले न्यूज देखा था। और यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है वो चाह रही है कि इसके IPO को लिस्ट किया जाए। यहाँ देखेंगे GOI वेदांता लाइकली टू डिस्कस बालको IPO, तो ये एक बड़ी खबर रही है। काफी तीन तीन बड़े खबर दिखे, पहला Q4 के रिजल्ट, दूसरा बालको के IPO की लिस्टिंग और तीसरा ये डेट के रिपेमेंट को लेकर के। Q4 रिजल्ट दिस वीक टाटा मोटर्स, L&T, एशियन पेंट, वेदांता, DLF एंड अदर्स। यहां देखें $800 मिलियन जो कि लगभग 6,265 के आसपास का आता है, 6,300 करोड़ के आसपास के टोटल जो प्लेस शेयर थे उसको अनप्लेस करा है। यहां देखेंगे तो यही न्यूज ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। हालांकि वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक जो कि इसकी सब्सिडरी है, वेदांता रिसोर्सेज की सब्सिडरी वेदांता है, वेदांता की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान जिंक के शेयर को वेदांता ने प्लेज करा और वेदांता के शेयर को जो वेदांता रिसोर्सेज ने प्लेज कर रखा था उसको अनप्लेज कर दिया है और संभावनाएं वहीं से बन रही थी कंपनी के डिफॉल्ट की। तो ये एक बिग ब्रेकिंग पॉजिटिव न्यूज की तरह आपको देखना चाहिए। यहां डिलीवरी देखेंगे तो काफी बेहतर दिख रहा है, यहां ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड काफी वीक है। इस समय इस स्टॉक के ट्रेंड को देखें तो एक मेजर सपोर्ट 262 के आसपास आ रहा है और ये कंसोलिडेट फॉर्म में है। यहां से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा। यहां मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअस जो है रिजेक्ट होते हुए दिख रहा है। 262 और 284 ये जोन एक कंसोलिडेट जोन है, आइदर लोअर साइड और अपर साइड ब्रेकआउट होने दे। 284 को ब्रेकआउट करता है तो 300, 330, 400 तक के लेवल दिखेंगे, मैक्सिमम 500 भी दिख सकता है। आपके एक्सपेक्टेशन, आपके लेवल्स बताएं। 262 को ब्रेकडाउन करे तो लॉन्ग करने से बिल्कुल बचना चाहिए।